बहराइच हिंसा मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई गोलाबारी और हिंसा में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए महसी के सीईओ रुपेंद्र गौड़ को सस्पेंड कर दिया है और रवि खोकर को महसी का नया सीईओ बना दिया गया है। साथ ही 3 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है और तकरीबन 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल रविवार को एक धार्मिक यात्रा के दौरान गोली लगने से राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी, जिसके बाद बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा और भी ज्यादा भड़क गई। तकरीबन 7 से 8 लोग इस हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए थे। फिलहाल घायलों का इलाज बहराइच मेडिकल हॉस्पिटल और लखनऊ मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। वहीं बहराइच पुलिस ने अब तक 3 FIR दर्ज की है और लगातार हिंसा फैलाने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने में जुट गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद अब इलाके में बीते 24 घंटों में हिंसा का मामला नहीं है। इलाके में एसटीएफ की कई टीमों ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद हालात काबू में आ गए। इसके अलावा एसटीएफ का बुलेट प्रूफ वाहन भी बहराइच में मौजूद है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।